अरे क्या लड्डू सिंह जी, आराम से नाश्ता कीजिए ना। क्यों पोगो स्टिक चोर की तरह उछल रहे हैं? मैंने पोगो स्टिक चोर का नाम नहीं लिया, शिवा ने लिया। शिवा ने बोलो, शिवा बोलो। शिवा, तुम्हें कैसे पता लगा पोगो स्टिक चोर के बारे में? कुछ नहीं होता तुमसे, तुम्हारा काम मेरे शिवा को करना पड़ता है। अरे मैंने तो उसी रात में पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो चोर चकमा देकर भाग गया। केवल उसकी चोरी का बैग ही मुझे मिला था, तो मैंने लोगों का सामान लौटा दिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, वो चोर फिर से चोरी करने आएगा। मेरे इलाके में चोरी, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई लड्डू सिंह जी, अरे डायलॉग बाजी बंद कीजिए, उस चोर को पकड़ने की सोचिए। ओहो, जरूर जरूर शिवा जरूर, मगर कैसे? कैसे क्या, पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। मैं भी यही सोच रहा था शिवा। शिवा, हमारे तुम्हारे ख्याल कितने मिलते हैं? चलो मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, आओ। ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये पोगो स्टिक लेकर क्यों चल रहे हैं? पेड़ा राम, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही पोगो स्टिक थीफ को पोगो स्टिक इंस्पेक्टर ही पकड़ेगा। सर सर, वो देखिए, पोगो स्टिक थीफ। हाय इंस्पेक्टर, मुझे ढूंढ रहे हो? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे चोरी करने से रोक सके। कैच मी इफ यू कैन। यू आर अंडर अरेस्ट, भागने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास भी पोगो स्टिक है। जा रहा हूँ। पता चलते ही आपको मैसेज भेजूंगा। हेलो चोर जी, रुको। अरे ये तो बता दो, इसे रोकते कैसे हैं? बाय इंस्पेक्टर, हैप्पी जंपिंग। राम जी, ये लड्डू सिंह जी क्या कर रहे हैं? शिवा, जोश जोश में पोगो स्टिक ले आए, लेकिन अब इसे रोक नहीं पा रहे हैं। आज के बाद कभी पोगो स्टिक नहीं चलाऊंगा, कभी नहीं। पेड़ाराम जी, चोर किस तरफ गया है? उस तरफ। पोगो स्टिक। ये लड़का तो बहुत तेज है और बहादुर भी। ओके बच्चे, कैच मी इफ यू कैन। लड़के में डेयरिंग तो है, इसका कुछ करना ही होगा। अब कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर भाग गया। वो पोगो स्टिक में एक्सपर्ट है, वैली में भी कूदने से नहीं डरता। तो फिर उसको पकड़ेंगे कैसे? अरे मैं बताता हूँ, एक बार हमारे गांव में। बस बस बस, रहने दे फेकू राम, अभी ज्यादा मत फेंको, हम लपेटने के मूड में नहीं है। शिवा,
अगर उस चोर को जंप करने की जगह ना मिले तो हम जरूर उसको पकड़ सकते हैं। यस यस, आइडिया अच्छा है। यही तो मैं बता रहा था, बंदर को अगर कूदने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कूदेगा कैसे? यस, सही कहा आदि। बंदर को अगर कूदने की जगह ही ना मिले तो वो कूदेगा कैसे? रेवा, हमें उसे ऐसी जगह ट्रैप करना होगा जहाँ वो पोगो स्टिक से उछल कूद ना कर सके। हमें लड्डू सिंह जी और नाना जी की हेल्प लेनी होगी। थापा क्या थोप थोपाने से तो पहाड़ हिलने लगता है, तो ये झोपड़ा क्या चीज है? अपनी खैर चाहिए तो बुलडोजर के सामने से हट जाओ। नहीं, हम नहीं हटेंगे। तुम्हारे झोपड़े किसने कहा कि ये तुम्हारे झोपड़े हैं? ये जमीन मेरी है तो ये झोपड़े भी मेरे ही हुए ना। अब मैं इन्हें तोड़ू या बचाऊ मेरी मर्जी, लेकिन मैं इन्हें तोड़ूंगा क्योंकि मैंने ये जमीन इन साइंटिस्ट अय्यर जी को रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दे दी है। तो हम कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी दुनिया है, जहाँ जाना ही जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये जगह हमारी है, हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। खबरदार, जो बुलडोजर चलाने की कोशिश की तो ये जगह इन्हीं लोगों की है, ये लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो देखा मेरा पावर, मेरा नाम लड्डू सिंह ऐसे ही नहीं फेमस हो गया। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर। पचास पचास किलोमीटर छोड़िए, 5 मीटर भी नहीं रह गए। पीछे देखिए, पीछे हमारे खानदान में किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये शूर वीरों का खानदान है। अरे सर, पीछे देखिए, वरना ना शूर का पता लगेगा ना वीर का। क्या है पीछे? ए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बुलडोजर जी रुक जाओ। हेलो शिवा। बड़ा आया था थापा को कानून सिखाने। चलो अब सारे झोपड़े तोड़ डालो। अंकल, आप लोग इस तरह इन लोगों को घर से बेघर नहीं कर सकते। आई बाशे, चलो भाग याशे। थापा के थप थपाने से तो पहाड़ हिल जाता है। तू तो एक मामूली सा बच्चा है, अकल का कोसा है। बच्चा नहीं कह रहा अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तुम लोग यहाँ मैटनी शो का ड्रामा देखने आए हो क्या? अरे पकड़ो इस बच्चे को। अरे किधर जा रहे हो? चल दिया।
अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? मैं वापस आऊंगा बच्चे। फिर बच्चा बोला, जल्दी चलाओ बच्चा, तेज चलाओ बच्चा। ए कह दिया।